वहीं सरायकेला में चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच काफी देर तक नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा भी मौजूद थी। बाद में उनके समझाने के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शांत हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आपस में भिड़ते हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। सरायकेला की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं, तो गीता कोड़ा उन्हें शांत कराती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि गीता कोड़ा यहां जो है वो शांत करती हुई नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं को समझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरायकेला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, गीता कोड़ा की तरफ से समझाया जा रहा है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन गीता कोड़ा यहां उन्हें समझाती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको सरायकेला से दिखा रहे हैं, जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में जो है भिड़ंत देखी जा रही है। गीता कोड़ा उन कार्यकर्ताओं को समझाती हुई नजर आ रही, उन्हें शांत कराती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए तस्वीरों में भी देखा जा रहा है इस वक्त हमारे टीवी पे चल रहा है कि जेएमएम और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गीता कोड़ा जो है वो उन्हें समझाती हुई नजर आ रही, पूरा मामला क्या है दर्शकों को बताएं आप। देखिए निश्चित तौर पर गीता कोड़ा का चुनावी तूफानी दौरा चल रहा है और जनसंवाद, जनता से सीधे संवाद कर रही है कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है और इससे पहले समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब वो क्या करेंगी। तो इसी दरमियान अभी ये गमरिया क्षेत्र में थी, गमरिया थाना क्षेत्र में थी, एक मोहनपुर एक गांव है, गांव में जयसिंह प्रवेश की तो कुछ लोग इनसे अपनी समस्या बता रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राशन यहाँ मिलता ही नहीं है, राशन के नाम पर अंगूठा लगाया लोग लगवा लेते हैं और उसके बाद राशन तक नहीं देते हैं, तो लोग समस्या बता रहे थे। तभी एक राशन दुकानदार वहां पर खड़ा था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से था, तो उसने उसका विरोध किया। विरोध सिर्फ उस व्यक्ति का किया जो महिला बता रही थी और इसी बीच में उन दोनों बीच बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और लगातार जो गीता कोड़ा है वो प्रत्याशी लोगों को बता रही है कि झंझट करने की जरूरत नहीं है, बीच बचाव कर रही है, लेकिन इस बीच दोनों लोग मानने को तैयार नहीं है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग है वो दूसरे गाँव से ट्रैक्टर से आते हैं और उसके बाद तब वो अस्त्र शस्त्र लेकर प्रदर्शन करने लगते हैं और बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के बीच करीब 2 से 3 घंटा तक नोकझोंक चला। एसडीपीओ पहुंचे, थाना प्रभारी पहुंचे और साथ साथ एसडीओ के आने के बाद मामला शांत हुआ। गीता कोड़ा और जो अपने जो इनका तूफानी जो दौरा चल रहा है जिन जिन क्षेत्रों में दौरा के लिए निकल गई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि गीता कोड़ा उन्हें समझाती हुई जरूर नजर आ रही हैं। तो सरायकेला में चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच काफी देर तक नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा भी मौजूद थी। बाद में उनके समझाने के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता शांत हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।